सब ताई होए सहाय, सब ताई होए सहाय। वक्फे दे बाद थोड़े सारे दा जी आया नूं साडी इस खास पेशकश जिहदा नां है गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर दे विच। हुण गल करदे हां दिल्ली दे चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जी जिथे बाबा जी नूं तजद्दद किया गया सी। पेश है साडी एक खास रिपोर्ट। मेरे नाल मौजूद ने सतबीर सिंह गगन जो कि यूथ अकाली दल दिल्ली वेस्ट दिल्ली तो प्रेजिडेंट ने। उन्होंने जानने की कोशिश करते हैं कि यूथ लई कितनी इंपॉर्टेंट है सिखी और शहादत साडे गुरुआं दी। गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ी शहादत दित्ती इस स्थान दे उत्ते, और मैं यूथ नूं सिर्फ एक गल कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने अंदर एक रूह सी जिहड़ी रूह सानू अज भी जोत दे। तुसी देख सकते हो कि साढ़े अंदर किन्ना अज एक जोश है गुरु तेग बहादुर साहब का नाम आंदा जा। गगन जी गल करिए गुरु तेग बहादुर साहब की, सो जिस तरीके दे वो शख्सियत सीगे सिखां दे नौवे गुरु सीगे, उन्हां दे जिहड़े विचार सीगे, उन्हां नूं तुसी अपनी असल जिंदगी विच अज दी इस जनरेशन दे विच तुसी किस तरीके नाल लैंदे हो? असीं बहुत पिछे हो चुके हां। सानू गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ी शहादत दित्ती उन्हां नूं अज असी कुछ करके दिखाना चाहिए। कई बच्चे किन्ने भटक रहे हैं, मैं तुहानूं हुणे भी कह रहा सी भटक रहे हैं। मैं हुण अपनी असल जिंदगी च मैं देखा तो मैं गुरु तेग बहादुर साहब अगर मैं इत्थे आके शीश झुकांदा तो मेरे मन नूं बहुत शांति मिलती है, और मैं इस शांति दे नाल कोई मेरे तो इस तरह का गुरु कोई काम नहीं करांदा जिहदे नाल मैं अपना कोई अपने आप नूं कुछ समझ सका कि मैं कुछ गलत किया। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू यही समझाया कि सिक्खी दे राह चलो, जेड़ा काम नूं लगे वो ठोक के करो, और उन्होंने भी किया। धन गुरु तेग बहादुर साहब के तीन परम सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, जिन्हां दी बाबा आख्या गया है कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोए, ऐसे मरने जो मरे बोहर ना मरना होए। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरु तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है बड़ा हमारे बार। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो वडो कलु में साका, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। तरम हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर है न दिया, नातक चेतक किए को काजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। फिर की हुआ ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सीकरया
करी ना किनहुआन तेग बहादुर के चलते पयो जगत को सोग है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। अज असी इत्थे गुरुद्वारा सिगन साहब धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शहीदी स्थान के सारे से दर्शन कर रहे हैं। धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी स्थान जिथे मेरी नौवीं जोत साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीद किया गया। वह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्ह के दर से आकर रोज असं नतमस्तक होंने जिन्ह असं रोज शब्द पढ़ने कि श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौने दे आवे थाए सब थाई होना जी सहाय। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हों ने स्थान से शहादत दे के हिंदू धर्म की रक्षा की जनेऊ की रक्षा की वह जनेऊ जिहड़ा उन्होंने पहले जामे के अंदर पाने तो ना किया गुरु नानक साहब के समय अंदर और नौवें जामे से आकर उस जनेऊ की रक्षा खातर आपा वारिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हों ने छोटी जी उम्र के अंदर ही 9 साल की उम्र के अंदर ही अपने पिता को आख्या कि पातशाह जो उथे उन्हों को पंडित उस वक्त उन्होंने को अपनी बेनती लैके पहुंचे उन्होंने आके आख्या कि पिता पातशाह जी साढ़े तिलक जंजू की आप रख्या करो। उन्होंने इस तिलक जंजू रख्या के खातर जो पिता जी के अगे गुरु तेग बहादुर साहब के अगे आके अपनी बेनती रखी तो छोटे जे 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु गोबिंद सिंह राज जी ने उस वक्त पिता जी ने आख्या पातशाह आप जी तो वड्डा महापुरुष कौन है आप जी तो वड्डा कौन है महापुरुष इस जग के अंदर जिहड़ा इस तिलक जंजू रख्या कर सकता है। उस वक्त उन्होंने आख्या पातशाह जी इस शहादत दे के आप जी इस धर्म की रख्या करो। उस वक्त पातशाह ने उतों की चाले पा के इस धरती से आके उस हुक्मरान के जुलम नू सहते हुए कह लो कि जुलम का टाकरा करते उन्होंने शहादत दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। मैं तो तक आखांगा अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब के उस बेनती गुरु तेग बहादुर साहब ने सिर मत्थे लेंदे हुए इतने आके शहादत दे के हिंदू धर्म की रक्षा की पूरी कैनात की रक्षा की। अगर अज गुरु गोबिंद सिंह जी सदके अज उन्हों की गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के सदके अज असी सारे सरदारियां मान रहे हैं। यह वो स्थान है पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब का जिथे थले खूह है जिथे उन्होंने आके शहादत तो पहले इनान किया बाणी पढ़ते हुए भाई मतीदास भाई सतीदास का सामने स्थान है जिड़े कि पातशाह के नाल आके उस सिंह ने इतने आके शहादत दी। भाई दयाला जी उन्होंने अज शहीदी स्थान के उत्ते अज उन्होंने शहीदी पुरब असं इतने सारे बड़े धूमधाम के श्रद्धा मना रहे हैं। असी पातशाह की उस शहादत को नतमस्तक होने महाराज जी शहादत को और उस लाशानी शहादत को सत सत प्रणाम करने। गुरु तेग बहादुर साहब के प्रिंसीपल्स नूं तुसीं किस तरीके नाल समझते हो? मैं समझदा कि जो गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ियां लीहां पाईयां ने उहदा कोई होर तुहानूं हिस्टरी च एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। माँ पिता अपने बच्चों वास्ते सब कुछ करते ने, धर्म गुरु अपने धर्म वास्ते करते ने, बरादरी के वड्डे लीडर अपनी बरादरी लई करते ने, लेकिन मैं समझदा कि गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जिस चीज़ से उन्हों का अकीदा नहीं सी तिलक जनेऊ ते गुरु नानक पातशाह जिहड़ियां रस्मां सीगियां जनेऊ पाउण दियां उन्हां दे खिलाफ तो नहीं गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा किसी नूं नहीं पाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जे पाना चाहिए तो वह किस चीज़ का बनया होना चाहिए। सो मैं समझदा वा कि गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हों का अकीदा नहीं सी तिलक जंजू लई उन्होंने अपनी शहादत दी दिल्ली शहर के आके जो कश्मीरी पंडित उन्हों को आते हैं चांदी चौंक का स्थान जिहदा तुसीं अज सीसगंज साहब दा तुसीं अज सारा देखिया उत्थे किहो जिहा माहौल है। मैं समझदा कि यह स्थान एक ऐसा स्थान है जिहड़ा दुनिया दे विच एक ऐसा एग्जाम्पल है। मैं ब्रिटिश पार्लीमेंट दे बाहर भी पढ़िया सीगा उत्थे लिखिया सीगा कि हो सकता है मैं तुहाडे नाल सहमत ना होवां तुहाडी राय दे नाल, लेकिन तुहानू अपनी राय रखण दा पूरा हक है। मैं समझदा ये गुरु तेग बहादुर पातशाह ने इस गल नूं करके विखाया और अपना सुप्रीम सैक्रीफाइस दे के कराया। उन्हां नाल भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला जी जिन्हां नूं भाई मतीदास चौंक दे विच फवारा चौंक जिसनों कहा जाता अंग्रेज़ों के वक्त का फवारा बनिया उत्थे उन्हां नूं शहीद किया गया रूह च बन के देग च उबाल के आरे नाल चीर के और गुरु साहब नूं 6 महीने कैद रख्या गया। ऐसे पंजरे च रख्या गया जिहदे च ना वह बैठ सकते सन ना वह लेट सकते सन। सो मैं समझदा बड़े तसीहे औरंगजेब ने दिते, लेकिन गुरु साहब ने अखीर ये साबित कर दिता कि कोई तशद्दत कोई डर कोई खौफ उन्हां नूं नहीं सीगा।
और जिहड़ी गल दा उन्हां ने वादा कीता सी कश्मीरी पंडतां नाल उन्हां ने पूरा करके विखाया। सीसगंज साहब की जो गल करिए उत्थे कोतावली हुंदी सीगी, हुण उह लंगर हॉल च तब्दील हो गई है, उहदे बारे जानना चाहांगे। एक कोतवाली वह कोतवाली सी जिस कोतवाली गुरु साहब न और उन्होंने नाल भाई मतीदास भाई सतीदास भाई दयाला छे महीने कैद रखा गया। अजीब इतिहास है कि कभी कोई अपनी शहादत देने वास्ते तुर के आंदा है, आनंदपुर साहब तो तुर के दिल्ली आते हैं, उन्होंने कैद रखा जाता है। कोतवाली जो सीसगंज साहब का हिस्सा बन गई तो मस्जिद की तो गुरुद्वारे की दीवार सांझी होगी। कल कोई ये सिख कहेंगे कि गुरु तेग बहादुर को शहादत शहीद करने का फतवा मौलवी ने सुनहरी मस्जिद से जारी किया था, और इफेक्ट है कि मस्जिद तो फतवा जारी होया सीगा कि सिर कलम कर दिता जावे। और तुसी आज भी देखो जाके कोतवाली दे विचों सीसगंज साहब दे विचों सुनहरी मस्जिद का रस्ता चढ़ता, पौड़ियां चढ़दियां अज भी उत्थे ने, उदों वादा कीता सी कि तुहाडा रस्ता साडे विचों रहेगा और अज भी है। फिलहाल अज्ज दी इस खास पेशकश विच इन्ना ही, दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।